किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस ने सबसे ज्यादा संवेदनशील सिंघू बॉर्डर को एक अभेद किले के तौर पर तैयार किया है। मिट्टी से भरे बड़े बड़े कंटेनर्स, बैरिगेट्स और कटीले तारों की बाड़ बनाई गई है ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। आपको बता दें कि कल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस सुरक्षा में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। कूच के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए लगातार ऐसी रुकावटें तैयार कर रही है जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ी सी क्रेन के जरिए ये बड़े बड़े कंटेनर रास्ते पर रखे जा रहे हैं। मिट्टी से भरे हुए ये कंटेनर रास्ते पर रखने के बाद इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ इस रास्ते से दिल्ली की सीमा में दाखिल ना होने पाए। इसी तरीके से हर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की हुई है, काफ़ी ज़्यादा बैरिकेटिंग की है और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कई लेयर की जो सीमेंटेड बैरिकेटिंग है वो भी की हुई है। उसके बाद भी लगातार दिल्ली पुलिस हर रास्ते पर ऐसी रुकावटें अड़चने जो है वो तैयार कर रही है ताकि कोई भी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए। ये आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े कंटेनर रखने के बाद पूरी एक लेयर जो है वो बैरिकेड से यहाँ पर तैयार कर दी है ताकि कोई भी अंदर ना दाखिल हो पाए। इसके अलावा जो कटीली तारे हैं उसकी एक बाड़ जो है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पे किए गए लगाए हुए हैं, साथ में कटीली तारे हैं और ऐसी ही व्यवस्था दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे की हुई है। ये काफ़ी भारी और मजबूत जो बैरिकेड है सीमेंटेड, और इसके अलावा वहाँ से पहली लेयर शुरू होती है, बिल्कुल ये हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर है। इसके अलावा इसी तरीके से कुछ जो हाईवे है उसके फ्लाईओवर के ऊपर भी ऐसी ही बंदोबस्त दिल्ली पुलिस ने की है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली के अंदर कूच का ऐलान किया था जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस हर बॉर्डर पर जो है नज़र बनाए हुए है और ऐसे किसी भी किसान को अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं पुलिस भारी संख्या पे यह मौजूद है और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है जिसके अंदर कोई अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं या फिर वो लोग जो कि अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में आ रहे हैं या जो लोग बाहर गए थे वो वापस दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी क्रेनों को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है और बैरिकेड लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ भी कुछ इसी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है बैरिकेड लगाए हुए हैं और इन्हें अभी स्टैंड बाय पर जो है तमाम जो ऐसे क्रेन हैं या फिर दिल्ली पुलिस के वाहन हैं उन्हें रखा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार जो स्पेशल ब्रांच और हरियाणा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उससे संपर्क में है ताकि किसानों की का मूवमेंट है कहां कहां पर पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसी के हिसाब से तैयारियां की जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।